हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग देखने वाले हैं एंटरटेनमेंट लाइव चैनल से पवन सिंह इंटरव्यू पार्ट वन। 5-स्टार होटल में जमीन पर क्यों सोते हैं? व्हाट भाई, पता करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। और ये वीडियो का फर्स्ट हाफ है, ठीक है। सेकेंड हाफ आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कलाकार का मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैंने देख ली, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, नहीं, नहीं। अब पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के जीवन में प्यार पॉसिबल नहीं। अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। बाप रे बाप, अब हिम्मत था पूजा बिना हवन के, भोजपुरी बिना पवन के। अरे बहुत सारे हैं ऐसे, खूब सारी कविताएं। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी का इस्तेमाल, किसी को इस्तेमाल करूं। नहीं। हाँ, ये हो जाएगा कि आपका कुछ भला करने में मेरा नुकसान हो जाए, ये कर सकता हूँ। और आपने मतलब दारू वारू भी छोड़ दी है ऐसा? अरे बाप रे बाप। पवन सिंह है भैया, मूड बनने में टाइम लगता है। 3 दिन लगा दिया आपने मूड बनने में। तो मूड पवन सिंह का कैसा है, मतलब इतनी मुश्किल से क्या है बनता? ऐसा नहीं है, देखिए कलाकार कलाकार होता है। सबसे पहले तो आपके चैनल के जरिए जे भी हमके देख रहा बा, भैया चाचा माता, TNT लाइव, ABP लाइव, ABP न्यूज, सबके सादर प्रणाम बा। आप लोगन के आशीर्वाद हमरे ऊपर ऐसे ही बरसता रहे, यही दिली इच्छा है कि प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और रही बात मूड बनने की, तो कलाकार का मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैंने देख ली, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं, नहीं, नहीं। मैं बताऊं, मैंने एक ट्रेन कैंसिल की, दूसरी ट्रेन कैंसिल की, और आज पवन जी ने खुद मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। बोले आराम से बैठेंगे, आराम से इंटरव्यू करेंगे, अब आप आराम से रुक के जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। और हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमें आते हैं वो यही आते हैं कि पवन सिंह कब आएंगे। तो आ गए पवन सिंह, आज हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। और पवन सिंह से पवन सिंह के बारे में जानेंगे, और किसी के बारे में नहीं जानेंगे। नॉर्मली लोग क्या आते हैं, अरे बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, हम कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये जानना है पवन सिंह क्या है, वो क्या करते हैं, उनके क्या शौक है, उनकी क्या जिंदगी है। हम कॉन्ट्रोवर्सी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने सुना कि आप बड़े जमीन से जुड़े आदमी है, इतने जमीन से जुड़े हैं कि 5-स्टार में भी जमीन पे सोते हैं, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये यही सत्य है। मुझे अच्छा लगता है, मैं रूम में भी रहता हूं तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे कितने मित्र हैं। बिल्कुल। तो ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करके सो जाते हैं आराम से। तो ये लखनऊ में होटल सेंट्रम जो है, आपका कुछ फेवरेट है? लकी चाम है, मैंने सुना बहुत महीनों से आप यहाँ रह रहे हैं और जब आते यहीं रहते हैं। मैं ना, मेरी एक आदत है, मैं शरीर में कोई भी कपड़ा भी अगर डालता हूँ ना, और वो दिन अगर अच्छा नहीं गया तो वो कपड़ा मैं दोबारा फिर पहनता नहीं हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ, हम कहाँ बैठे, क्या पहने, क्या किए, वो दिन कैसा रहा, इस चीज को मैं फॉलो बहुत करता हूँ। वास्तु में मानते हैं। ये सेंट्रम होटल की, तो ये होटल मेरे लिए लकी है। ये 5 जनवरी को इसमें मेरा बर्थडे मना। उसके बाद इस होटल में जो जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे भाई लोग, इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं कि 20 साल के फिल्मी सफर में मैं इतना गैप कभी नहीं किया था। मैं मतलब एक साल होने जा रहा है, इस एक साल के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ मैं दुबई गया था, दुबई से अपने घर बॉम्बे वापस आया, सिर्फ रात भर रुका हूँ, एक फिर चला गया झारखंड शो में। तो ये मेरे लिए लकी होटल भी है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, बहुत बहुत सम्मान करते हैं सब, अच्छा लगता है। ये बताइए, पिछले कुछ महीनों में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा आप में चेंजेस भी आए,
बहुत फिट भी हुए हैं, बहुत पहले से बहुत फिट हुए हैं, तो है। स्टाइलिंग में चेंज आया है और आपने मतलब दारू वारू भी छोड़ दिया है ऐसा। अरे बाप रे मैं तीन दिन जो है सारे सीक्रेट जो है आपके ढूंढ रहा था यहाँ लखनऊ में, तो क्या वजह है? हाँ, ये जो आपने ये तो कैमरे के सामने पूछ डाला तू, लेकिन चलिए कोई कोई ये नहीं है, जो चीज था सो था, बट आज के डेट में मैं उस चीज के वश में नहीं, मेरे वश में वो है। बिल्कुल, जब मेरा दिल करेगा तो छूंगा, नहीं तो वो मेरे जीवन में अभी साइड है। मुझे लगता है बड़े सारे लोगों को ये वेल डन पवन सर की जरूरत भी है। जब पवन सिंह कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत सारे लोग आपको फॉलो करके कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के आपके फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं आपको। क्योंकि ऑडियंस के आशीर्वाद से इतना प्यार मिल रहा है, 32 साल से मैं सिंगिंग कर रहा हूं और चाहे भी अपनी जीवन अपना जीवन नहीं है जी। ये जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए है, उनको हंसाना है, उनको खुश रखना है, तो उसके लिए एक कहावत कहा गया है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं अपने ऑडियंस का प्यार पाने के लिए किसी भी चीज को साइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्यार के आगे पीछे कुछ है ही नहीं है। वो तो आपको बहुत मिलता है, मतलब किस्मत वाला मानते हैं अपने आप को। बिल्कुल, ये हर किसी का नसीब में नहीं है, किसी किसी को मिलता है जिसको दुनिया प्यार करे। पावर स्टार आपको कहा जाता है, तो ये जो उपाधि है ये कितने दिल को छूती है, या लगता है कि मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा कलाकार मानता हूं। आता छोटे कुछ नहीं। कलाकार तो नहीं है आप हम्बल बहुत हैं। छोटे तो आप नहीं है, ये तो आप खैर झूठ बोल रहे हैं अगर आप ऐसा बोल रहे हैं। मेरा नेचर है भैया, एक गाना आपका आता है 2-4-5 घंटे में 9-10 मिलियन हो जाता है, तो छोटे कलाकारों का तो नहीं होता। चलिए, ये आपका प्यार बोल रहा है, नंबर बोल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक कलाकार मानता हूं, बाकी हमारे ऑडियंस ही इतना प्यार करते हैं, कभी भोजपुरिया किंग बोलते हैं, कभी भोजपुरिया राजा बोलते हैं, कभी पावर स्टार बोलते हैं, ये हमारे ऑडियंस का प्यार है। ओके, सो ऑफ कोर्स पवन सर, ये ऑडियंस का ही प्यार है ना, पब्लिक का प्यार है जो आपको मिल रहा है, और ये प्यार आपने कमाया है, ठीक है। ये प्यार कोई ऐसे ही नहीं लुटा रहा है, ठीक है, ऐसे ही तो दुनिया किसी को भीख भी नहीं देती है ना। ये प्यार किसी को ऐसे ही नहीं मिल जाता है, ये प्यार आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, ठीक है, और उस चीज़ की आप कदर करते हैं, उस चीज़ की आप रिस्पेक्ट करते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। वरना बहुत सारे मतलब स्टार्स ऐसे होते हैं कि उनके सर पे चढ़ के बोल रहा होता है फैंडम, ठीक है, फैंडम इतना उनके सर पे चढ़ के बोल रहा होता है कि वो अपने ऑडियंस को ही कुछ नहीं समझते है ना, अपनी पब्लिक को ही कुछ नहीं समझते। बहुत सारे ऐसे आपने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे जो अपने एक्टिविटीज़, जो अपने इंटरव्यूज़ में बोलते नज़र आ जाते हैं। लाइक मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो करीना कपूर, ठीक है, उन्होंने भी जब लाल सिंह चड्ढा आने वाली थी तो बड़े ही एटीट्यूड से कहा था कि हाँ मतलब हम तुम्हें फोर्स नहीं करते फिल्म देखने जाने को, तुम्हें देखना हो देखो, नहीं देखना हो मत देखो, हम तुम्हारे घर थोड़ी ना आते हैं तुम्हें फोर्स करने के लिए। और वो पब्लिक ने उन्हें दिखा दिया था कि एटीट्यूड थोड़ा सा साइड में रखने का, ठीक है, तुम एक तरीके से पब्लिक के लिए काम करते हो, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट टाइप काम करते हो, तो ऑडियंस जो है जो आपकी फिल्में देख रही हैं, जो आपको पैसा बना कर दे रही हैं, आप उन्हीं को एटीट्यूड दिखा रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर पवन सिंह में नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात कि किसी किसी को लगता है कि हाँ भाई उनका ये जगह उनके लिए स्पेशल है, ये कपड़ा उनके लिए स्पेशल है, ये रंग स्पेशल है, लाइक वास्तु में काफ़ी ज़्यादा मानना है ना, तो इन सब चीज़ों में मान्यता होने से कोई हार्म नहीं होता, मेरे ख्याल से कोई हार्म नहीं होता, ठीक है, हाँ एक्सट्रीम लेवल पर ना हो तो, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग अगर मानते हैं और उस चीज़ से अगर उनका विश्वास और मजबूत होता है, तगड़ा होता है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
सो आगे भी इसका हम सेकंड हाफ में इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि हाँ और आगे पवन भैया से क्या बातें हुई। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। बाय बाय।